नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। नॉमिनेशन टास्क में शिवानी विशाल लवकेश को टारगेट करना बिग बॉस के मेकर्स को काफी ज्यादा महंगा पड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि रणवीर शौरी जिन्होंने लवकेश विशाल और शिवानी को नॉमिनेट किया था उनकी पोल जो है खुल गई है पूरी तरह से। अरमान मलिक और यहां रणवीर शौरी की जो स्ट्रैटेजी है वो सामने आ चुकी है और इनके पीछे कौन है किसका हाथ है ये भी सामने आ चुकी है। तो ये आज के इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे और किस तरह से खुद बिग बॉस एक्सपोज्ड हुए हैं, साथ ही साथ यहां अरमान और रणवीर को भी ले डूबे हैं कैसे, ये बात आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर के अंदर इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के दौरान यहां नॉमिनेशंस के दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं शिवानी विशाल और लवकेश कटारिया। तीनों की ही बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और तीनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, टॉप 5 में जाने का हक है बिल्कुल इन्हें। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स तो कुछ और ही चाहते हैं। बिग बॉस के मेकर्स क्या चाहते हैं? बिग बॉस के मेकर्स ये चाहते हैं कि अरमान मलिक शो के विजेता बने। जी हाँ, इसीलिए तो अरमान के दोस्त यहां पर रणवीर शौरी को सबसे पहले हेड ऑफ द हाउस बनाया। अब हेड ऑफ द हाउस बनाने के बाद अरमान मलिक को उन्होंने नॉमिनेशन से सेव किया और तीन नाम दे दिए। यहां पर रणवीर शौरी ने शिवानी कुमारी, विशाल और लवकेश का, और यहां पर पूरी तरह से आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऑडियंस जो है पकड़ चुकी है यहां पर बिग बॉस के मेकर्स की एक बहुत बड़ी गलती। अब वो गलती क्या है? रणवीर ने तीनों को नॉमिनेशंस में डाला, लेकिन रणवीर अपने सबसे बड़ी दुश्मन और अपनी कॉम्पिटिटर सना मकबूल को नॉमिनेट बिल्कुल भी नहीं किया, और यहां पर रणवीर शौरी की गलती जो है यहां पर पकड़ में आ गई। अब आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस के मेकर्स कैसे एक्सपोज हुए हैं। तो बिग बॉस के मेकर्स एक्सपोज होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो बाहर की जनता जो देख रही है ना, जो बाहर की ऑडियंस जो देख रही है ना, वो उतनी ज्यादा मूर्ख नहीं है। ऑडियंस ने फट से जो है पकड़ा और उन्होंने ये, मतलब जनता की राय ये है कि रणवीर शौरी और बिग बॉस के मेकर्स जो हैं मिले हुए हैं एक दूसरे से, और बिग बॉस के मेकर्स ने ही जानबूझकर ये बातें कही है रणवीर शौरी को कि सना मकबूल को आपको नॉमिनेट नहीं करना, आपको तीनों को ही नॉमिनेट करना है। और रणवीर शौरी ने आए देखा ना बाएं तीनों को नॉमिनेट कर दिया, और यहां पर उनकी गलती जो है वो पकड़ में आ गई। और यहां पर ये पकड़ में आई कि रणवीर शौरी कैसे सना मकबूल को बख्श सकते हैं, जबकि सना मकबूल से तो 36 का आंकड़ा उनका है। तो यहां पर बिग बॉस के मेकर्स ने स्क्रिप्ट दिया रणवीर शौरी को, ये एक्सपोज हो गई। और साथ ही साथ यहां पर किसे विनर बनाना चाहते हैं, तो बिग बॉस के मेकर्स अरमान मलिक को विनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अरमान मलिक के दोस्त है रणवीर शौरी, और रणवीर शौरी के हेड ऑफ द हाउस बनने के बाद उन्हें पावर भी दे देते हैं, और उस पावर का इस्तेमाल करके अरमान मलिक को पूरी तरह से सेव भी कर लिया जाता है। तो यहां पर पूरी तरह से बिग बॉस के मेकर जो हैं एक्सपोज हो चुके हैं। यहां पर पोल जो है पूरी तरह से अरमान और रणवीर की खुल चुकी है, और पूरी तरह से इनके नकाब जो हैं वो पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। और ये भी सामने आ चुका है कि बिग बॉस के मेकर्स जो हैं यहाँ जिसे चाहे वो उसे विनर बनता हुआ देखना चाहते हैं। और यहाँ पर इस सीजन में स्पेशली ऐसा हो रहा है, इन्फ्लुएंसर को दबाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर को दबाने का काम कर रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स। लेकिन जो बाहर की जो ऑडियंस जो बैठी है ना, वो कह रही है बिग बॉस को घटिया शो, इसमें रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, फिक्स्ड शो है, इसे बिग बॉस के मेकर्स जिसे विनर बनाना चाहते हैं उसे ही विनर बनाएंगे, और घटिया शो है, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स अरमान और रणवीर शौरी को बचाने के चलते जो है घटियापंथी की सारी हदें पार कर रहे हैं, और ये बात दिख भी रहा है, ये बात जो है लोगों को समझ भी आ रहा है। और इस वजह से जो है जियो सिनेमा जो ऐप है ना, जहां से ऑडियंस
कनेक्ट करती है बिग बॉस ओटीटी 3 को देखती है और ज़्यादातर ऑडियंस विशाल शिवानी और लवकेश की है, वो ऑडियंस जो है बिग बॉस के मेकर्स पर आरोप लगा रही है पक्षपात करने का, और आरोप लगाकर जियो सिनेमा जो कि 29 रुपए का रिचार्ज कर बिग बॉस ओटीटी 3 को देख रही है वो पूरी तरह से अनस्टॉल मार दे रही है, क्योंकि मेकर्स अरमान को विनर बनाना चाहती है, ये तो क्लियर है। तो इसीलिए जनता ने ये फैसला लिया है और सोशल मीडिया पर काफी थू हो रही है बिग बॉस के मेकर्स की। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।